नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के कई सारे बोलबम के गाने रिलीज हो रहे हैं और कई सारे गाने अभी भी कतार में हैं। आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का आज एक गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम है हनुमान गियर और उस पर दर्शकों का, भोजपुरी ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तब तक अचानक से खेसारी लाल यादव के गाने को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है, और बड़ी खुशखबरी क्या है इसकी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो यसी फिल्म्स के बारे में आपको पता होगा, यसी फिल्म चैनल्स के बारे में भी आपको पता होगा। यसी फिल्म्स एक बहुत बड़ा चैनल है और उससे एक जबरदस्त तरीके की फिल्म बनती है, गाने भी बनते नजर आते हैं। तो उसी चैनल पर खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज होने वाला है, जिस गाने का नाम है चल चली भोला के नगरिया। चल चली भोला के नगरिया, जो कि खेसारी लाल यादव के खूबसूरत आवाज में ये गाना होने वाला है। तो वहीं गाने के जो लिरिक्स राइटर हैं वो प्रभु बिश्वा पूरी हैं। जी हाँ, प्रभु विश्वापुरी जो हैं वो इस गाने के लिरिक्स राइटर हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करता हूँ तो आर्य शर्मा जो हैं वो इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वीडियो की बात करता हूँ तो आशीष सत्यार्थी इस गाने को वीडियो डायरेक्ट किए हैं। तो वहीं इसी यसी फिल्म्स के बैनर तले ये गाना रिलीज होने वाला है, और ये गाना 11 अगस्त को यानी कि कल के दिन जो है इस गाने को रिलीज किया जाएगा, और इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 6:15 पर रिलीज होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, चली चली भोला के नगरिया खेसारी लाल यादव के खूबसूरत आवाज में यसी फिल्म्स के बैनर तले ये गाना रिलीज होने वाला है। ये अपडेट था, मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।